किसका होगा राज तिलक। नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार में तीसरे और अंतिम दौर के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। सुबह 9:30 बजे तक का आंकड़ा 7.5% रिकॉर्ड वोटिंग की ओर इशारा करता है। और ये वो तमाम जिले हैं, 15 जिलों की जिन 78 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बिहार के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मतदान होता है। उम्मीद यही कि अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए तेजी से आगे बढ़े बिहार। लेकिन अब की बार किसका होगा बिहार, ये सबके जहन में बड़ा सवाल है। हम आपको जरा कंप्यूटर बाबा की मदद से जहां जहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, आज 78 सीटों पर आखिरी दौर का यह मतदान चल रहा है और यहां पर जो तस्वीर, ये बिहार का मैप है और यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है। ये पूरा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का इलाका आप देख पा रहे हैं। यहीं पर बिल्कुल सटा हुआ नेपाल में वाल्मीकि आश्रम है जहां पर माना जाता था लव कुश का जन्म हुआ और वहीं पर रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि की ओर से की गई थी और सीता वहां पर पातालोक में भी गई थी। बिल्कुल यहां से वॉक करते हुए आप नेपाल जा सकते हैं, एक छोटी सी नदी को पार करते हुए। यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेपाल के हिस्से से, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये पश्चिम बंगाल से सटता है किशनगंज, जहां पर मुस्लिम आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है। 60% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी है। और आपको बता दें कि किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी के मद्देनजर ही AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने 24 सीमांचल की सीटों में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें 11 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब सवाल यह है कि ये जीतेंगे भी या फिर वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर AIMIM जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है यहां पर अगर वोट खींचने में कामयाब होता है तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे जो महागठबंधन है उसको नुकसान होगा। यही कारण रही कि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार AIMIM के मुखिया पर निशाना साधते हुए बीजेपी की बी टीम उसको कहते रहे हैं। यहीं से बिल्कुल बांग्लादेश भी पास में है। आपको बता दें कि आज सीमांचल की 24 सीटों के अलावा यादव बहुल, चाहे सुपौल की बात करें, सहरसा की बात करें, यहां पर जो मधेपुरा जहां से खुद पप्पू यादव मैदान में है, यहां पर यादव बहुल ये पूरा का पूरा बेल्ट, पूरा का पूरा इलाका और लालू प्रसाद यादव MY समीकरण के मद्देनजर यहां पर लगातार एक बड़ी जीत लड़ते रहे, जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जबकि मिथिलांचल जो ब्राह्मणों की बहुलता वाला पूरा इलाका है, बीजेपी वहां पर अच्छा करती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए अब जरा हम महारथियों की अगर बात कर लें कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यकीनन कौन कौन से महारथी जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, सभी वो बड़े चेहरे, मैं चाहूंगी कि महारथी यहां पर आ जाएं। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तीसरे दौर के महारथियों पर हम नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें एक तरफ जहां पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी हैं, VIP के मुखिया भी चुनावी मैदान में हैं। मैं कोशिश करूंगी कि यहां पर जल्दी से वो आंकड़ा आ जाए। कुछ तकनीकी दिक्कत हमेशा की तरह होती रहती है कभी कभी, इसी वजह से वो चेहरे बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे।